हे गाइस, वेलकम बैक टू एजे आर्ट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो लॉर्ड शिवा को। और ये सेकंड ट्यूटोरियल है लॉर्ड शिवा के ऊपर। इससे पहले मैंने एक और ट्यूटोरियल बनाया था, उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और ट्यूटोरियल बनाया जाए जिसमें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए। एंड ये एक शॉर्ट वीडियो है उस वीडियो का, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा अपना टाइम बचाना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस पर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर फोकस किया है। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके जी, शुरू करते हैं वीडियो। एंड सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, सेम आपको एक ऐसे ड्रॉ करना है। एंड सेम उस बॉक्स का हाफ को मेजर करते हुए हमें एक और नीचे बॉक्स ड्रॉ करना है फॉर नेक। और इतना ड्रॉ करने के बाद अब हमें तीसरा बॉक्स ड्रॉ करना है जो हमारा ठीक बीच वाले बॉक्स के बराबर होगा और जिसकी लेंथ ऊपर वाले बॉक्स के ट्वाइस होगी, मतलब दुगना उसके। तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसको बीच में से डिवाइड कर लेना है ताकि हमें एक मिडल लाइन मिल जाए। और अब सबसे ऊपर वाले बॉक्स में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। अब जो हमारा नीचे वाला सेक्शन है उसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे फॉर नोज़, लिप्स के लिए। और अब ऊपर वाले एक बॉक्स में हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर आईब्रोज। ओके, तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे फोर हेड के लिए आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम आपको वैसे ड्रॉ करना है फोर हेड के लिए और हमारी चीक्स के लिए। ठीक है, नेक को भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और शोल्डर्स के लिए भी हम लोग कुछ इस तरह से लाइंस को मार्क कर लेंगे। ओके, तो अब हेयर्स के लिए मैं यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, इससे हमें एक आइडिया मिल जाए हेयर्स के लिए। तो ऊपर वाले हेयर्स के लिए मैं बॉक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, आपको भी बॉक्सेस ड्रॉ करना है। ओके, तो अब शेप में दे देते हैं हम लोग अपनी जो हमारी हेयर्स की लाइन है, जो कर्व हेयर्स हैं उनको। ओके, तो अब हमारा स्नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसी सर्कल के अराउंड मैं जो है हमारी शेप को ड्रॉ करूँगा। जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, जो हमारा फन होता है नाक का, उसको मैं हल्का सा कर्व कर रहा हूँ तो जिससे और अच्छा फील आ जाए। ओके, तो बढ़ते हैं फेस के फीचर्स की तरफ, आइज़ ड्रॉ करते हैं। आइज़ ड्रॉ करने के लिए मैं पहले यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड फिर बीच में एक सेंटर लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे हमारी क्लोज होने वाली आई की वो लुक आ जाए एकदम। तो देख, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दोनों आइज़ हमारी बराबर हो, इक्वल हो। ओके, तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब आईब्रोज़ के लिए हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम जो हमारी सबसे ऊपर वाली लाइन है उससे मेजर करते हुए। ठीक है, ठीक ऐसे ही ड्रॉ करना है दोनों तरफ। अब बढ़ते हैं नोज़ की तरफ। नोज़ के लिए तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब बॉक्स के चारों तरफ मैं कर्व में जो है वो लाइंस मार्क कर ले रहा हूँ। ओके, तो अब नॉस्ट्रिल्स ड्रॉ करेंगे। नॉस्ट्रिल ड्रॉ करने के लिए मैं सेम वही कर्व लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ एंड देन फिर मैं उन्हें राउंड शेप में ड्रॉ कर दूंगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे आपको ड्रॉ करना है। साइड में हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे एंड नोज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब लिप्स को ड्रॉ करेंगे। लिप्स को ड्रॉ करने के लिए पहले मैं एक सबसे ऊपर लाइन मार्क कर रहा हूँ एंड फिर बीच में सेंटर लाइन और जो हमारी लास्ट हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी। ओके, तो इतना ड्रॉ करने के बाद साइड से हम लोग लिप्स को कर्व में ड्रॉ करेंगे। जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है एंड हमारा जो अपर वाला लिप्स है उसको जॉइंट कर देना है। एंड नाउ अब धीरे धीरे हम इसको शेप में ड्रॉ करेंगे जिससे हमारी जो स्माइल है हल्की सी वो आ जाए। और सेम नीचे वाली लाइन्स को भी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ईयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं आइज़ लाइन से और जो हमारी लिप्स की लाइन है उससे मेजर कर लूँगा। आइज़ की लाइन से हमारा थोड़ा नीचे की तरफ और लिप्स के बराबर ही ऑलमोस्ट होना, कुछ इस तरह से हेयर्स ड्रॉ कर लेंगे। एंड सेम अब हेयर्स ड्रॉ कर लेंगे और जो ऑलमोस्ट है हमारी ड्राइंग वो फिनिश होने वाली है। और नीचे की तरफ हम लोग कर्व में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइक क्लोज। ओके, तो बाकी इरेजर से जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो इरेज कर देंगे एंड मून को ड्रॉ करते हुए हमारी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगी। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद हमारी ड्राइंग जो है कम्प्लीट हो गई है। एंड ये एक सिंपल आउटलाइंस का ट्यूटोरियल था, तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो एंड कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ट्यूटोरियल का तरीका मेरा कैसा लगा बताने का। और सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्रॉइंग।